नमस्कार, मैं जंगीर चौहान और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। केसरी सिंहपुर से पूर्व विधायक व वर्तमान में एसी मोर्चा से प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ओपी महेंद्रा की श्री गंगानगर लोकसभा सीट से लोकप्रियता व प्रबल दावेदारी को देखते हुए केसरी सिंहपुर कस्बे के समर्थकों व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया। शंकरलाल सांखला के प्रांगण पर रखी गई जहाँ पर एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर ओपी महेंद्रा के क्षेत्रवासियों की ओर से तन मन धन से सहयोग देने के लिए भी कहा गया। दो दिवसीय पूर्व भी एक संयुक्त बैठक डॉक्टर महेंद्रा जी के निवास स्थान पर की गई थी, जहां पर समर्थन किया व कहा कि केसरी सिंहपुर से कार्यकर्ताओं ने लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर की टिकट के लिए मांग रखने के लिए केसरी सिंहपुर कस्बा वासियों द्वारा प्रदेश एवं केंद्र के पदाधिकारियों के लिए आग्रह भी किया। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए व भारी समर्थन की अपील की गई। इस मौके पर मदनलाल तायल, राजकुमार सोनी, यशपाल मेहरोलिया, राजकुमार सचदेवा, जसपाल सिंह ब्राड़, महिपाल सुरलिया, सतनाम दास, तीर्थदास सांपला, राजकुमार मदान, रंजीत भट्टी, रंजेंद्र चराया, शिंदरपाल मेहरा, कुलवंत सिंह, सुरेंद्र वधवा, कृष्ण दयाल, भगवान दास चावला, परमाराम मेघवाल, जगदीश वर्मा, सोहन वर्मा आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह दिलाने पर, हिम्मत दिलाने पर और सभी के इस विश्वास और आश्वासन के साथ कि हम सब लोग श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाने में आपका सहयोग और समर्थन करेंगे और टिकट मिलने के पश्चात सब लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे, इसी के निमित्त आज बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी संख्या में अनौपचारिक रूप से यहां एकत्र आए। सबसे व्यक्तिगत वार्ता हुई और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए मैं प्रयास और प्रयत्न करूंगा और इसके लिए भी जो भी प्रयास और प्रयत्न होंगे आठों विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर और पार्टी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करूंगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मुझे समर्थन मिलेगा।